नमस्कार, आप देख रहे हैं OMG बिहारी। बिहार की खबरों के लिए OMG बिहारी सब्सक्राइब करें। जी हाँ, स्पाइस जेट बिहार के दरभंगा वासियों और बिहार वासियों के लिए खुशखबरी लाया है। इस तरह की लैंडिंग हम बहुत जल्द दरभंगा एयरपोर्ट पे देखेंगे। स्पाइस जेट की उड़ानें शुरू होने वाली है दरभंगा एयरपोर्ट पे। दरभंगा एयरपोर्ट 8 नवंबर से हवाई मार्ग से जुट जाएगा। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए रोजाना स्पाइस जेट की 3 जोड़ियां फ्लाइट होंगी और 8 नवंबर से आगे की यात्रा के लिए बुकिंग भी शुरू हो गई है। अपनी टिकट आप बुक कर सकते हैं। जी हाँ, बेंगलुरु से दरभंगा के लिए पहली फ्लाइट होगी सवेरे 8:45 पे, जो 11:15 में दरभंगा पहुंचेगी। इस फ्लाइट की संख्या है SG493। जी हाँ, अगली फ्लाइट होगी दरभंगा से बेंगलुरु के लिए 4:25 शाम में, जो 6:55 शाम में बेंगलुरु पहुंच जाएगी। इस फ्लाइट की संख्या है SG494। मुंबई से पहली फ्लाइट दरभंगा के लिए निकलेगी सवेरे 9:40 पर। आप दरभंगा पहुंच जाएंगे 12:10 पर और सभी फ्लाइट डायरेक्ट फ्लाइट है, कहीं रुकने वाली नहीं है। इस फ्लाइट की संख्या है SG705। दरभंगा से मुंबई के लिए 12:40 पर उड़ान होगी और 3:10 पर आप मुंबई में होंगे। ये बहुत बड़ी राहत की बात है और बड़ी खुशखबरी है कि इतने कम समय में लोग दरभंगा से मुंबई और मुंबई से दरभंगा आ जाया करेंगे। ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है लोगों के लिए। दरभंगा से पहली उड़ान दिल्ली के लिए 11:45 पे होगी, जो 1:30 बजे दिन में आपको दिल्ली पहुंचा देगी। जी हाँ, इतने कम समय में आप दरभंगा से दिल्ली होंगे, सोचकर भी इतनी खुशी होती है कि इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। ट्रेन में और पटना से फ्लाइट पकड़ने में कितने समय बर्बाद होते हैं ये सबों को मालूम है। दिल्ली से वही फ्लाइट फिर दरभंगा के लिए उड़ेगी 2:10 पर। 3:55 पर आप दरभंगा में होंगे। जी हाँ, सवेरे वहाँ काम कर कर आप शाम दोपहर में ही अपने घर वापस दरभंगा आ सकते हैं, या दरभंगा के आसपास के लोग, यहाँ तक कि मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए भी ये एक बड़ी खुशखबरी है। पटना जाने से बच जाएंगे, वो दरभंगा से फ्लाइट पकड़ सकते हैं। अगर फ्लाइट की संख्या बढ़ती है तो अच्छी बात होगी, क्योंकि पटना जाना आज के दिन में भी मुजफ्फरपुर से काफ़ी जद्दोजहद वाली बात होती है। कहीं भी जाम मिल सकता है, गांधी सेतु पे भी या कहीं भी मुजफ्फरपुर से लेके आगे तक। तो ये एक बड़ी राहत है बिहार वासियों के लिए, उत्तर बिहार के वासियों के लिए, मिथिलांचल के वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि 8 नवंबर या उसके आगे के लिए आप टिकट बुकिंग अभी से कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। या लॉकडाउन में कहीं नहीं निकले हैं तो एक बार घूमने के ख्याल से किसी भी जगह जाकर आ सकते हैं 1-2 दिन में। उड़ान को बढ़ावा देने के लिए प्रोमोशनल फेयर अभी 3,799 रखा गया है और टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो गई है, पर हो सकता है टिकटों के फेयर बढ़ जाएं, क्योंकि जैसे जैसे टिकटों की बुकिंग बढ़ेगी, लोग ज़्यादा आएंगे तो टिकट के दाम भी बढ़ेंगे। और दिवाली छठ के समय तो लोगों का आना दरभंगा या बिहार में बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में छठ के समय, दिवाली के समय आने वाले फेयर ज़्यादा हो सकते हैं, जैसा कि पहले भी देखा गया है। इसी बीच पटना बन गया है देश का तीसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट। आप समझ सकते हैं बिहार में एयर ट्रैफिक की क्या स्थिति है। पटना में ज़्यादा यात्रियों के आने जाने का एक बहुत बड़ा कारण है कोरोना काल में ट्रेनों का नहीं चलना। बहुत सारे यात्री कहीं जाने के लिए अब एयर टिकट कहीं एयरवेज कहीं इस्तेमाल करते हैं। कोरोना काल में देश के कई शहरों में आर्थिक गतिविधियां खुल जाने के कारण पटना एयरपोर्ट से जाने वाले यात्रियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। आने वाले तो कम है, पर जाने वाले ज़्यादा पसंद करते हैं हवाई यात्रा, इसलिए कि कम समय में वो अपनी गंतव्य पर पहुँच जाते हैं। बीमारी का भी डर रास्ते में कम होता है, जैसा कि लोग कोरोना से खौफ ज्यादा हैं। फिर भी कुल मिलाकर बिहार वासी और दरभंगा मिथिलांचल
के आसपास के वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। कम से कम अब हम अपने आसमान में हवाई मार्ग में हवाई जहाज की आवाज़ तो सुन सकेंगे। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट अभी नहीं शुरू हुआ है, हम अपनी इंतज़ार में ही रह गए, पर दरभंगा एयरपोर्ट शुरू हो गया। फिर भी खुशी की बात है बिहार के लिए। धन्यवाद दोस्तों, इस खुशी को हम सब बांटें और शुभकामनाएं हैं दरभंगा एयरपोर्ट को। सब्सक्राइब करें OMG बिहारी बिहार की खबरों के लिए।